दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विथ अरुंधति। दोस्तों आज मैं गुलदावती में एक लिक्विड खाद देने वाली हूँ, वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मेरे गुलदावती के प्लांट पर बहुत सारे कलियाँ ही कलियाँ भर गई हैं और इसी में अभी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी गार्डन की ब्लूमिंग दिखा दूँ। ये देखिए जरबेरा कितने सारे खिले हैं और कलियाँ देखिए भरी हुई है कलियाँ। और यहाँ पर देखिए मेरे कुछ हिबिस्कस जो खिले हैं, कुछ कल खिले थे और कुछ आज खिले हैं। यहाँ देखिए ये देखिए और यहाँ देखिए ये कल खिले थे, ये सारे कल खिले थे। अभी सुबह का 7 बज रहे हैं तो अभी है ये कल का खिला हुआ है और ये जो है आज खिलेगा। यहाँ देखिए कितनी प्यारा कलर है, देखिए कितनी प्यारी सी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं जो लिक्विड खाद दे रही हूँ वही आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए दोस्तों ये है वही लिक्विड खाद, सरसों की खली, ये जिसको मैंने 5-6 दिन हो गए होंगे भिगो के। और इसको मैं हर दिन ऐसे घोलती रहती हूँ। इनमें मैंने मिलाया है और दो चीज़ें मैंने मिलाई हैं, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट और ह्यूमिक एसिड इनमें मिला रखी है। और एक चीज़ भी मिलाई है, वो है डीएपी के दाने थोड़े से मिलाए हैं, 2 चम्मच मिलाए हैं इनमें। मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं इसलिए थोड़े से ज़्यादा ही मैंने बनाए हैं। अगर आप थोड़े से प्लांट के लिए करते हैं तो 1 लीटर में 100 ग्राम आप मस्टर्ड केक ले लें और उनमें 10-12 दाने डीएपी के डाल दें और 3-4 दिन रखने के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये है मेरे 20 लीटर का एक बॉकेट है जिसमें मैंने पानी ले रखी है, करीबन 18 लीटर पानी ले रखी है। और इनमें मैं थोड़ी सी फंगीसाइड मिला देती हूँ ताकि फंगस ना हो। ये जो लिक्विड खाद मैंने बनाई है ये देखिए कितनी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ा है देखिए। तो इनमें से मैं आधा लीटर ही लूँगी, आधा 750 होगा, ये देखती हूँ ये कितना होता है। और इसे किसी स्टिक की सहायता से आप ऐसे घोल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, छान के इनको आप स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरे गुलदावती के प्लांट्स हैं, सेवंती के। तो इसके सामने और भी प्लांट्स होते हैं, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर निकाल रखा है क्योंकि फिर इतने फर्टिलाइज़र देने में प्रॉब्लम होती। ये देखिए एक एक प्लांट को देखिए आप, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए इनको अभी मुझे सहारा भी देना है। ये देखिए और एक दिखाती हूँ, ये देखिए इनमें 2 प्लांट लगे हैं, 2 प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने। पॉट की थोड़ी सी कमी होती है तो मैंने 2 प्लांट लगा रखे हैं। पता नहीं कौन कौन सा कलर निकलेगा, एक में शायद 2-2 कलर्स निकल आएंगे, इसमें तो 2 ही आएंगे क्योंकि इनके जो पत्तों की टेक्सचर है वो थोड़ी सी अलग लग रहे हैं, पता नहीं। ये देखिए ये जो प्लांट है इनमें ये रूट्स निकल आ रहे हैं और यहाँ से नीचे से भी यहाँ बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं थोड़ी सी इसमें बाद में मिट्टी दे दूँगी। दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अभी जो ये विंटर का सीज़न है तो इनमें थोड़ी सी शाम जल्दी हो जाती है तो शाम को वीडियो नहीं बना पाती हूँ और इसलिए अभी सुबह सुबह ही फर्टिलाइज़र देती हूँ।
दे रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने फर्टिलाइज़र दे दिए हैं इन दोनों में। करीबन 200-200 ml ही मैंने डाले हैं, क्योंकि अगर पानी निकल आएंगे फिर हमारा फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाएगा। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डालें, ज़्यादा मत डालें, प्लांट को लगनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं दे दूँगी थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए, ये एक पुराने फ्रीज का बास्केट था जिसमें मैंने ये यहाँ पर गुलदावरी लगा रखी है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इनमें भी मैं थोड़ी सी दे देती हूँ। दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्लांट पर फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं, तब इनकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ताकि जो भी हम खाद डालेंगे वो ये प्लांट फट से इंटैक्ट कर पाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मेरे इतने सारे प्लांटर्स में मैंने पानी नहीं दी है, कल सुबह भी नहीं दी थी, शाम को भी नहीं दिया है, क्योंकि आज मुझे फर्टिलाइज़र करना था। तो ये देखिए, बिल्कुल मिट्टी सूखी है। ये देखिए, देखिए फिर भी मेरे प्लांट्स में से थोड़ी सी फर्टिलाइज़र बाहर निकल आ रही है, क्योंकि जो मिट्टी है बहुत ही मैंने पोरस बनाई है। ये देखिए, अभी ये प्लांट्स को मुझे सहारा भी देना होगा, क्योंकि प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और ये सारे वैरायटी मुझे वो तो नर्सरी वाले भैया ने बोला था कि पम्पम वैरायटी का है, पता नहीं कैसा होगा, पर इनको मैं सहारा दूंगी, फिर किसी दिन लगा दूंगी इनमें, 2-3 दिन में अभी लगाना पड़ेगा। ये देखिए, सारे प्लांट्स मेरे, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और तो इनकी थोड़ी सी केयर लेने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।